सो हेलो एवरीवन, सो मेरा नाम है गौरव। सो आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आप WhatsApp से लीड को कैसे जनरेट कर सकते हो बिना एक रुपए लगाए ऑर्गेनिक तरीके से। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ओके। और आगे वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे, लाइक नेटवर्क मार्केटिंग स्किल के ऊपर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। तो एक बार आप वो सारे वीडियोज को गो थ्रू जरूर करिएगा, ओके। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो और अगर आप फ्यूचर में आने वाले वीडियोज का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहते हो तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपसे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं कि आप WhatsApp से लीड को कैसे जनरेट कर सकते हो। सो अगर आप WhatsApp से लीड को जनरेट करना चाहते हैं तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ना फर्स्ट ऑफ ऑल WhatsApp ग्रुप्स होने चाहिए। हो सकता है आपके पास पहले से WhatsApp ग्रुप हो। अगर WhatsApp ग्रुप आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली आपको गूगल पे जाना है, ठीक है, और आपको WhatsApp ग्रुप का नाम सर्च करना है, ठीक है। मैं आपको कुछ WhatsApp ग्रुप के नेम बता देता हूँ जहाँ पे ना आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छे तरीके से आप लीड को जनरेट कर सकते हो, जैसे एजुकेशनल WhatsApp ग्रुप, ठीक है, या फिर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड WhatsApp ग्रुप, ठीक है, या फिर आप जिस स्टेट या जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो सकते वहाँ के कुछ यूनिवर्सिटी या फिर वहाँ के कुछ फेमस कोचिंग सेंटर का आप WhatsApp ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो या जिस कोचिंग में पढ़ते हो उसका आप WhatsApp ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, या फिर आर्ट्स साइंस कॉमर्स, ठीक है, MBA BBA, ठीक है, इस तरह के WhatsApp ग्रुप को आप सर्च करके ना आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि कभी भी ना आपको वैसे ग्रुप्स ज्वाइन नहीं करना है जैसे लाइक वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई आपको WhatsApp ग्रुप दिखता है आपको उसमें आपको ज्वाइन नहीं करना। अगर आप उसमें ज्वाइन करोगे, ठीक है, अगर आप वैसे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो आपको बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आने वाला है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे लोग उस वैसे ग्रुप में लोगों को मैसेजेस कर चुके होंगे लीड्स के लिए, ठीक है। तो आपको वैसे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना, जो मैंने आपको बताया उन सारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना है। जिस नेम से मैंने आपको WhatsApp ग्रुप सर्च करने को बोला है आपको उसी नेम से WhatsApp ग्रुप को सर्च करने, या फिर आपको अपना दिमाग लगाना है कि आप कौन से ऐसे WhatsApp ग्रुप सर्च करो जहां पे अभी तक कोई पहुंचा ना हो, ठीक है, ये आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि गूगल पे बहुत सारे WhatsApp ग्रुप है, बहुत सारे, आप सर्च करते करते थक जाओगे, इतने सारे WhatsApp ग्रुप हैं, ठीक है। आपको अच्छे WhatsApp ग्रुप सर्च करना है, ठीक है, उसको ज्वाइन करना है। बट आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको वर्क फ्रॉम होम या बिजनेस से रिलेटेड कोई भी WhatsApp ग्रुप ज्वाइन नहीं करना है। नेटवर्क मार्केटिंग के नेम से अगर कोई WhatsApp ग्रुप मिलता है आपको उसको ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है, मतलब मार्केटिंग से रिलेटेड अगर कोई भी WhatsApp ग्रुप अगर आपको दिखता है तो आपको उसको बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना है क्योंकि वैसे ग्रुप्स में ऑलरेडी बहुत सारे लोग पहुंच चुके होंगे, उन लोगों को मैसेज कर करके बिजनेस के बारे में बता चुके होंगे। तो अगर आप वैसे ग्रुप्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको बिल्कुल भी लीड्स अच्छे नहीं मिलेंगे और ना ही आपको रिजल्ट आएगा, ठीक है। सो आई होप मेरी बात आपको समझ आ गया होगा कि जो मैंने आपको बताया है जिस नेम से आप वैसे नेम से WhatsApp ग्रुप सर्च करो या फिर अपना ब्रेन यूज करो, ओके। सो WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आपको करना क्या है, WhatsApp ग्रुप में जितने भी लोग हैं ना उन लोगों को ना आपको मैसेजेस करना है, उन लोगों को DM करना है। अब क्या मैसेजेस करना है, कैसे करना है, ये बताने से पहले अभी मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, जब आप लगातार लोगों को आप मैसेजेस करोगे DM करोगे ना WhatsApp ग्रुप वाले लोगों को, तो होगा क्या कि WhatsApp ना आपको बैंड कर देगा, या तो एक घंटे के लिए या फिर 24 आवर्स के लिए ना आपको बैंड कर देगा। तो इसके लिए ना मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ कि जो आपका पर्सनल नंबर है जिससे आप लोगों को कॉल वगैरह करते हो उसको आप अलग रहने दो, एक आप दूसरा नंबर ले लो, एक आप एक सेकेंड नंबर ले लो जिससे आपका ना दूसरा WhatsApp चले, आप दो WhatsApp चलाओ। मैंने क्या बताया, आप दो WhatsApp चलाओ, एक न्यू नंबर ले लो, एक दूसरा WhatsApp बना लो, ठीक है, और जो दूसरा नंबर लोगे उसका ना आप इनकमिंग बंद कर देना ताकि लोगों का ना कॉल ना आए आपका, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको उससे WhatsApp चलानी है, ठीक है, लोगों को आपको DM डालना है। मैं आपको ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप लगातार लोगों को आप मैसेजेस करोगे ना WhatsApp वाले लोगों को, तो होगा क्या, बहुत सारे ऐसे लोग ना आपको डायरेक्ट कॉल करेंगे, ठीक है। अब कॉल किस इंटेंशन से कर रहे हैं ये तो आपको नहीं पता ना कि वो एग्जैक्टली हमारे काम के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, या फिर वो आपको कुछ अब्यूज़ करने के लिए कर रहे हैं ये तो आपको नहीं पता। सो इसीलिए आपको करना क्या है कि आपका जो दूसरा नंबर होगा आपको उसका इनकमिंग बंद कर देना है, सिर्फ आउटगोइंग चालू रखना है। इससे होगा क्या कि जब WhatsApp ग्रुप वाले लोग आपको कॉल करेंगे ना तो कॉल लगेगा नहीं, ओके, नहीं तो क्या होगा, कुछ लोग होते हैं जो आपको ना कॉल कर देंगे, ठीक है। अब हो सकता है कॉल करके आपको गाली भी दे दे, बट ऐसा रेयर होता नहीं है, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आपको कॉल करेंगे, लेकिन कुछ लोग कॉल करेंगे, ठीक है, बट रिस्क क्यों लेना, आप अपना इनकमिंग बंद कर देना, सिर्फ आउटगोइंग चालू रखना, ओके। एंड दूसरी चीज समझो कि मान लो आपने इनकमिंग बंद कर दिया, बट कुछ लोग क्या है ना आपको WhatsApp पे ही कॉल करेंगे, कुछ WhatsApp ग्रुप वाले लोग हैं ना आपको WhatsApp कॉल करेंगे या फिर WhatsApp वीडियो कॉल करेंगे, यहाँ पे भी आपको बिल्कुल भी उनके कॉल का रिस्पांस नहीं करना है, ठीक है, या तो कट कर दो या फिर रिंग होने दो, ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, बट आपको रिस्पांस नहीं करना है, रिसीव नहीं करना है तेज बन के कि चलो मैं अब बात कर लेता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जब तक सामने वाले से हम पूरा कंप्लीट बात नहीं कर लेंगे तब तक हमें उनसे बातचीत नहीं करनी है, ओके। एंड
तीसरी चीज ये कि हो सकता है कुछ लोग ना आपको गाली दे जब आप उनको डीएम करो, मैसेजेस करो, कुछ सनकी लोग होते हैं ठीक है, तो वो ना आपको गाली भी दे सकते हैं मैसेजेस में, कुछ गलत बातें भी बोल सकते हैं, तो उनको आपको बिल्कुल इग्नोर करना है। ऐसा नहीं कि उनके 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 साथ हम आर्ग्यूमेंट करने लग गए, आप भी इधर से गाली देने लग गए, बिल्कुल भी नहीं। ये चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। कुछ लोग क्या करेंगे, आपको ना डराएंगे। किस तरीके से डराएंगे, आपको बोलेंगे तुमने मेरे को मैसेज कैसे कर दिया, तुम फ्रॉड कर रहे हो, तेरा नंबर मैं पुलिस में दे दूंगा। आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको डराएंगे, ऐसे मैसेजेस करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना, वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे, वो सिर्फ आपको डराएंगे ठीक है। हमें डरना कब है, जब हम गलत करेंगे। हमने तो कोई गलत काम किया नहीं तो डरेंगे क्यों, हमने सामने वालों को एक मैसेज ही किया है, एक ऑनलाइन काम के लिए सिंपल, ना ही हमने उसको कोई गाली दी, ना ही हमने कुछ गलत किया, तो हम डरेंगे क्यों। अगर आपको कोई ऐसे मैसेजेस करता है कि आपका तुम फ्रॉड कर रहे हो, तेरा नंबर मैं पुलिस में दे दूंगा, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, और ना ही उस सामने वाले से कोई आर्ग्यूमेंट करनी है ठीक है, वो कुछ भी नहीं करेगा। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं ठीक है। सो आई होप मैंने आपको जो ये सारी बातें बताई हैं, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा ओके। सो अब मैं आपको बताता हूं कि व्हाट्सएप ग्रुप वाले लोगों को आपको मैसेजेस कैसे करना है और मैसेजेस क्या करना है जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा रिस्पांस आए ओके। इसके लिए आपको सबसे पहले करना है क्या, मैसेजेस कैसे करना है पहले आप ये समझ लो। आपको क्या करना है, जो जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप वाले लोगों को आपको मैसेजेस करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, उस ग्रुप के डीपी पे क्लिक करना है ठीक है। जैसे आप डीपी पे क्लिक करोगे ना, वहां पे आपको दो तीन ऑप्शन दिखेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, एक मैसेजेस का ऑप्शन दिखेगा और एक आपको एक आई बटन का ऑप्शन दिख रहा होगा ठीक है। आपको क्या करना है, इस आई बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको सारे ग्रुप के जो लोग हैं ना आपको वहां पे दिखने लगेंगे, उनके नंबर्स दिखने लगेंगे। आपको यहां पे जाके सारे लोगों को ना आपको मैसेजेस करना है, डीएम करना है ठीक है। इससे होगा क्या कि आप जल्दी जल्दी ना लोगों को आप मैसेजेस कर सकते हो ठीक है। जो आप तरीके जानते हो उसमें क्या होता है कि आपको बार बार ग्रुप के अंदर जाना पड़ता है ठीक है, तो उसमें ना काफी ज्यादा टाइम लगता है लोगों को मैसेजेस करने में। लेकिन आप आई बटन पे क्लिक करके अगर आप लोगों को मैसेजेस करोगे तो आप जल्दी जल्दी ना लोगों को आप मैसेजेस कर सकते हो, आपको टाइम भी कम लगेगा ओके। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि मैसेजेस कैसे करना है ओके। सो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अब आपको मैसेजेस क्या करना है, आपको डीएम क्या करना है जिससे ज्यादा से ज्यादा आपको रिस्पांस आए, ज्यादा से ज्यादा आप लीड्स को जनरेट कर पाओ। पता, जब मैंने इस टेक्निक को निकाला था ना लोगों को मैसेजेस करने का, मेरे को ना बहुत अच्छा रिस्पांस आया था, और पता नहीं मैंने कितने सारे लोगों को ना बिजनेस में ज्वाइन भी कराया है इसी व्हाट्सएप ग्रुप वाले लोगों को ठीक है। तो आप भी बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करवाने वाले हो ठीक है, इसी मेथड से लीड को जनरेट करके ठीक है। तो इस वीडियो को आगे पूरा देखना, यहीं तक छोड़ मत देना ठीक है, क्योंकि आगे जो मैं चीजें आपको बताने वाला हूं ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओके। तो बहुत ध्यान से देखना ठीक है। तो आपको मेरे स्क्रीन पे एक फॉर्मेट दिख रहा होगा, आपको इसी फॉर्मेट के तहत आपको लीड्स को जनरेट करना है। आप ध्यान से देख लो इस फॉर्मेट को कि मैंने किस तरीके से लोगों को स्टेप बाय स्टेप मैसेजेस कराया है ठीक है, और लोगों ने अपने डिटेल्स को दिया है ठीक है, कि उन्हें बिजनेस के बारे में समझना है ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो अब हम चलते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप हम आपको गाइड करेंगे ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीड को जनरेट करने के लिए ठीक है। तो आगे बहुत ध्यान से देखिएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप वाले लोगों को जो सबसे पहला मैसेजेस करना होता है ठीक है, वो तीन तरह से आप कर सकते हो, आपको यहां पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बट ये तीनों मैसेजेस में सबसे अच्छा जो मैसेज है ना, जो मेरे को पर्सनली लगता है, वो है दूसरा नंबर वाला। दूसरा नंबर वाला आप मैसेज पढ़ो, क्या लिखा है मैंने, हाय बोथ आर एडिंग स्टडी कैफे व्हाट्सएप ग्रुप, मे आई नो आर यू स्टूडेंट और जॉब पर्सन। तो इस मैसेज में देखो, सबसे पहली चीज तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो मैंने स्टडी कैफे व्हाट्सएप ग्रुप लिखा है, तो यहाँ पे आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप का नाम लिखना है जिसमें आप ऐड हो, उस व्हाट्सएप ग्रुप का आपको नाम यहाँ पे मेंशन करना है ठीक है। और ये मैसेजेस करने से आपको एक फायदा ये है कि लोग आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपको मेरा नंबर मिला कहाँ से। इससे पहले आपने बहुत बार किसी ना किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपने लोगों को मैसेजेस किया होगा राइट, बट लोग आपको सामने से क्या पूछते हैं कि आपको मेरा नंबर मिला कहां से, तो यहां पे ना हम घबरा जाते हैं कहीं ना कहीं राइट। बट जब आप ये मैसेजेस करोगे ना तो आपको ऐसा कुछ भी रिप्लाई नहीं आने वाला, लोग आपसे पूछेंगे नहीं कि आपको मेरा नंबर मिला कहां से, क्योंकि मैंने पहले ही ये मैंने बता दिया कि मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप से हूं ठीक है। आपको रिजल्ट देखो पहले वाले मैसेजेस से भी मिलेगा, लेकिन ज्यादा रिस्पॉन्स आपको दूसरे वाले मैसेजेस से मिलेगा ठीक है। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप दूसरा वाला मैसेजेस सबसे पहले, आप सबसे पहला जो मैसेज आपको कौन सा भेजना है, दूसरा वाला मैसेज जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ठीक है, आपको बहुत ज्यादा रिस्पांस आएगा। अब देखो, जैसे ही आप ये फर्स्ट मैसेज डालोगे ना लोगों को, तो होगा क्या कि लोग ना दो तीन तरीके से आपको रिप्लाई करेंगे। कुछ लोग आपसे पूछेंगे कि हुआ यू, आप कौन हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने बारे में बता देना है ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आई एम गौरव फ्रॉम झारखंड रांची ठीक है, और उसके जस्ट बाद मैंने दूसरा मैसेज को डाल दिया राइट। इसी तरीके से आपको भी करना है। कुछ लोग आपको रिप्लाई करेंगे कि जो आपने मैसेज किया सेम उसी तरीके से आपको रिप्लाई कर देंगे कि आई एम स्टूडेंट या फिर आई एम जॉब पर्सन, या कुछ लोग होंगे तो मैसेज करेंगे कि आई एम जॉब सीकर ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब ठीक है, ऐसे भी आपको लोग मैसेजेस करेंगे। इस केस में आपको क्या करना है, सिंपली अगेन आपको वही सेम मैसेज डालना है, ग्रेट एक्चुअली वी आर एक्सपेंडिंग आवर डिजिटल प्रोजेक्ट वाला मैसेज जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सेम मैसेज आपको डाल देना है ओके। उसके बाद
आपको करना क्या, कुछ लोग ना आपको ये भी रिप्लाई करेंगे कि वाई, आपको ये क्यों जानना है, आप ये क्यों पूछ रहे हो कि हम स्टूडेंट हैं या जॉब पर्सन है। तो उसके बाद भी आपको कुछ भी नहीं करना, सेम आपको सामने से रिप्लाई करना है कि एक्चुअली वी आर एक्सपेंडिंग आवर डिजिटल प्रोजेक्ट, सेम आपको यही वाला मैसेजेस डाल देना है, आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा कि जब कोई पर्सन इस तरीके से रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको रिप्लाई क्या करना है। ओके, सो अब देखो, जैसे ही आप ये दूसरा वाला मैसेज ड्रॉप करोगे कि वी आर एक्सपेंडिंग आवर डिजिटल प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे होगा क्या कि अब यहाँ पे भी लोग तीन तरह से आपको रिप्लाई करेंगे, जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कुछ लोग आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज वर्क, काम क्या है, ठीक है, काम के बारे में बताओ। कुछ लोग मैसेज करेंगे आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है। कुछ लोग आपको मैसेज ये भी करेंगे नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। अगर आपसे कोई भी सवाल करता है, जैसे मान लो अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि काम क्या है, या फिर अगर आपको मैसेज करता है आई एम इंटरेस्टेड, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको सामने से एक मैसेज करना है। ओके, फर्स्ट मे आई नो योर नेम, एज एंड लैंग्वेज, आपको ये वाला मैसेज करना है। ओके, अगर कोई आपको बोलता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो आपको कोई भी रिप्लाई नहीं करना, ठीक है, उसको छोड़ देना है, ठीक है। हमें उसको देखना है, ठीक है, जिसका मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स आया है, ठीक है। तो आपको क्या रिस्पॉन्स करना है सामने से कि ओके फर्स्ट मे आई नो योर नेम, एज एंड लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वाला मैसेज करना है, अगर सामने वाला आपसे ये पूछता है कि काम क्या है, या फिर अगर रिप्लाई करता है कि यस आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है, तो आपको ये वाला मैसेज करना है। ओके, सो जैसे ही आप ये मैसेज करोगे कि ओके फर्स्ट मे आई नो योर नेम, एज एंड लैंग्वेज, तो यहाँ पे होगा क्या कि कुछ लोग ना देखो अलग लैंग्वेज वाले लोग होते हैं, जैसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़, ठीक है। कुछ लोग रिप्लाई करेंगे कि लैंग्वेज में तेलुगु, तमिल या कन्नड़, तो यहाँ पे आपको सामने से पहले एक रिप्लाई करना है कि यू नो हिंदी, क्योंकि देखो हमारा जो भी प्रेजेंटेशन वगैरह होता है या फिर हम किसी को काम भी समझाते हैं कहीं ना कहीं, तो ज्यादातर लोग हिंदी में समझाते हैं, ठीक है। इसलिए सामने से आपको एक मैसेज करना है कि यू नो हिंदी। अगर सामने वाला बोलता है कि यस, ठीक है, तब तो ठीक है। अगर सामने वाला बोलता है कि नो, तो आपको छोड़ देना है, उस पर फोकस नहीं करना है। फोकस उस पर करना है, अगर मान लो अगर कोई बोलता है मैसेज में कि तेलुगु, तमिल या ऐसे मैसेज करता है, तो आपको अगेन सामने से मैसेज करो कि यू नो हिंदी। अगर सामने वाला बोलता है कि यस मैं हिंदी जानता हूं, तो फिर आपको क्या करना है सामने से रिप्लाई, ओके डन, ठीक है, आई विल कॉल यू वेरी सून, ओके आई विल कॉल यू वेरी सून, दिस इज योर कॉलिंग नंबर। आपको ये भी कंफर्म करना है कि ये इसका कॉलिंग नंबर है या नहीं, ठीक है। अगर सामने वाला रिस्पॉन्स करता है कि यस मेरा कॉलिंग नंबर है, फिर आपको रिप्लाई करना है ओके डन, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो डायरेक्ट बोलेंगे मैं हिंदी, इंग्लिश सब कुछ जानता हूं, तो आपके लिए तो प्लस पॉइंट है। अब आपको सामने से डायरेक्ट मैसेज कर देना है ओके आई विल कॉल यू दिस इज योर कॉलिंग नंबर, तो सामने वाला बता देगा कॉलिंग नंबर है या नहीं है, फिर आपको उसको कॉल करना है, ठीक है। सो आई होप मैंने जो भी आपको प्रोसेस बताया है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, जैसे ही सामने वाला आपको डिटेल्स दे देगा, ठीक है, अब आपको करना है क्या, आपको अपना डायरी निकालना है। डायरी में आपको क्या करना है, उसका नाम और उसका नंबर आपको लिख लेना है, ठीक है। फिर आपको उसको कॉल करना है, ऐसा नहीं कि तुरंत कॉल कर दो, ठीक है, आपको अपने फ्री टाइम में कॉल करना है उसको, ठीक है, जब भी आपको सुटेबल टाइम लगे उस टाइम पे सामने वाले को आपको कॉल करना है। अब देखो जब आप लोगों को कॉल करोगे ना, तो यहाँ पे भी क्या होगा, कुछ लोगों के नंबर हो सकते हैं स्विच ऑफ आए, ठीक है, कुछ लोग आपके कॉल रिसीव ना करे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उन लोगों को छोड़ देना है, आपको उन लोगों को ना फिर से व्हाट्सअप पे आना है और उन लोगों का नंबर को सर्च करो और उनको मैसेज करो कि यार मैंने आपको कॉल किया बट आपने ना कॉल रिसीव नहीं किया, मैंने आपको कॉल किया बट आपका कॉल लगा नहीं, ठीक है, आपको जाके दोबारा मैसेज करना है, नहीं तो होगा क्या, सामने से ना वो कॉल नहीं आने वाला। कुछ लोग आपको कॉल कर भी देंगे बट आपको यहाँ पे ये चीज करना है कि आपको उनके व्हाट्सएप पे जाके मैसेज कर देना है कि यार मैंने आपको कॉल किया बट आपने कॉल रिसीव नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या कि फिर से आप अगर सामने रिस्पॉन्स करता है कि मैं कॉलेज में था, मैं बिजी था इसलिए कॉल नहीं रिसीव कर पाया, ठीक है, तो आप वहाँ पे फिर से उसको कॉल करके अपना बिजनेस के बारे में बता सकते हो, ठीक है, इनविटेशन कर सकते हो, राइट। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एग्जैक्टली व्हाट्सएप से लीड को जनरेट कैसे किया जाता है। देखो अगर आपने डेली के ना, अगर आपने 200, 300, 400 लोगों को अगर आपने मैसेजेस कर दिया ना, तो आप डेली के ना 30, 40, 50 नंबर को ना आप इजी वे में जनरेट कर लोगे और ये जितने भी लीड्स होंगे ना, ये आपको एक क्वालिटी लीड्स मिलने वाली है, ठीक है, बहुत अच्छे लीड्स होते हैं। मैंने यहाँ से लीड्स को जनरेट करके पता नहीं कितने सारे लोगों को ना बिजनेस में ज्वाइन करवाया है, ठीक है, तो आप भी इंप्लीमेंट करो, आप भी बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करवा सकते हो, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, ठीक है, अगर आप लाइक और कमेंट करते हो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ओके, सो आपने अब ये तो सीख लिया कि WhatsApp से लीड को कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है। लीड को जनरेट करने के बाद दूसरा हमारा स्टेज आता है, वो आती है इनविटेशन का। ओके, सो अगर आप वन ऑफ द बेस्ट इनविटेशन सीखना चाहते हो ना, तो यहां पे आपको एक वीडियो दिख रही होगी, ये आज तक का सबसे बेस्ट इनविटेशन के ऊपर वीडियो है, आप एक बार जाके देखो, आप खुद कमेंट करोगे कि यस सर ये वन ऑफ द बेस्ट इनविटेशन के ऊपर वीडियो था। ओके, सो हम फिर मिलेंगे एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।